महंगाई को लेकर सिंगरौली में भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सभी जरूरतों की चीजों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में लगातार बेतहाशा पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले में कई जगह पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को फूल देकर शांतिपूर्वक महंगाई का विरोध किया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रही। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि कर रही है, जिसके चलते किराना सामान सहित कई जरूरतों की वस्तुओं में वृद्धि हो गई है। जिस कांग्रेस की सरकार ने सन 1947 से लेकर के और जब तक कांग्रेस की सरकार थी 2013 तक पेट्रोल के दाम 1 रुपए से लेकर के 68 रुपए तक 70 साल लगे, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7 साल में 68 रुपए के पेट्रोल को आज 104 रुपए ला करके खड़ा कर दिया है। कच्चे तेल की कीमत आज आम आदमी घर में सब्जी भाजी रोटी पकाना उसका दुश्वार हो चुका है। नमक से लेकर के तेल से लेकर के खाद्य के हर पदार्थ, क्योंकि जब डीजल महंगा होता है तो ये सीधा असर ट्रांसपोर्ट पर डालता है, ट्रांसपोर्टर अपना भाड़ा बढ़ाते हैं, जब भाड़ा बढ़ता है तो हमारी जो वस्तुएं हैं खाद्य की वस्तुएं हैं उन पर सीधा असर पड़ता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।